लेकर आपका आज वीडियो में स्वागत और है। आज वीडियो में लेकर आए उसका टाइटल है 25 आवर्स ऑफ ईटिंग ओनली ट्रेन फूड फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता इंडियन स्ट्रीट फूड ऑन इंडियन रेलवे। तो चलिए देखते हैं ये जर्नी, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं लोगों के चैनल लिंक Instagram में लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। चलो एक नए सफर पे चलते हैं, हिंदुस्तान की रगों में दौड़ती दो पटरियों पे रेलगाड़ी के सफर पे। समोसे बताओ यार, फ्रेश है कि नहीं? फ्रेश बताओ। जहाँ हर 100 किलोमीटर पे बदलते लोग, बदलती जुबान, बदलती तहजीबें, तो बदलता दस्तरखान, लेकिन लाल डिब्बों की इन खिड़कियों से दिखता सबको एक ही हिंदुस्तान। अब ये पूरा रूट है वो अभी बिहार का ही चलेगा। जानता रहे याद पूरा पैक है। मैं जा रहा हूँ कोलकाता और उसी ट्रेन में बदलते जायकों की 25 घंटे की इस दावत में हम पूर्वा एक्सप्रेस से दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड को चढ़ते हुए पहुंचेंगे वेस्ट बंगाल में। अपनी मंजिल हिंदुस्तान की कल्चरल कैपिटल और पहली राजधानी कोलकाता। শীতল মাছের মুইঠা গরম ভাতে দুইটা ফেইলা বাঙালি খায় চীনা জাপানি লুইটা পুইটা। दिल्ली की ठंड शुरू हो चुकी थी, जिसकी ढलती दोपहर में मैं पहुंच गया न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। 12 सितंबर 1837 में शुरू हुई ये इंडियन रेलवेज 186 सालों में भाप से लेकर बिजली का सफर करते हुए 70,000 किलोमीटर की पटरियों से पूरे भारत को जोड़ आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसपे लगभग 2.5 करोड़ मुसाफिर रोज सफर करते हैं। और इसी रेल नेटवर्क के रोजाना के 10 लाख यात्रियों वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन ही है हमारी मंजिल हावड़ा जंक्शन। और हमारी ये जर्नी जो है इस ट्रेन से है जिसका नाम है पूर्वा एक्सप्रेस। ये ट्रेन जा रही है दिल्ली से हावड़ा जंक्शन। सामान कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी रेलवे की लाल सेना के एक सिपाही ने मुखातिब होते हुए कहा 100 रुपए लेंगे तो सामान। ये लाइन काफी लंबी है, आपको दूसरे रास्ते से लेके चलता हूँ। इशारा मिलते ही सामान आगे और मैं इस लाल चटक कमीज, ढीले सफेद लहराते पजामे के नीचे मटमैले जूतों के पीछे पीछे दाखिल हुआ रेलवे स्टेशन की नई दुनिया में। नई दिल्ली स्टेशन का दो साइड है, एक पहाड़गंज, एक अजमेरी गेट। हमने एंटर किया अजमेरी गेट की तरफ से। सालों से वजन ढोने के बावजूद स्कूली की मुस्कुराहट अब भी जवान थी। सुनहरा बिल्ला बाजू से जकड़ा हुआ था और 100 रुपए की कीमत का ये सफर 16 नंबर प्लेटफॉर्म से हजारों मुसाफिरों के बीच से गुजरते हुए, कभी पैदल, कभी सीढ़ियों से, कभी लड़खड़ाते वजन की बेड़ियों से, हटो बचो के शोर में हम आ ठहरे प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे। लेकिन पूर्वा एक्सप्रेस के आने में अभी भी वक्त था। A2 यहीं आएगा। पुली की मुस्कुराहट ज्यों की त्यों थी। मेहनताना देते हुए मैंने बस ऐसे ही सवाल किया, क्या नाम है आपका? मेरा इम्तियाज नाम है। इम्तियाज नाम है, चलिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ कितने टाइम से आपको? ये हुआ 23 साल। 23 साल से 100 रुपए का रेट में आया था मैं। ये जो आपका ये पिल्ला नंबर है, पापा का, उनकी डेट हो गई। 63 सालों में 2 नस्लों को पाला था इस बिल्ला नंबर 394 ने। ये पीतल सोने से कम नहीं था। इम्तियाज भाई की कहानी से मैं कुछ देर के लिए सन्नाटे में चला गया, सहम सा गया, और उनके चेहरे की मुस्कुराहट ने मेरी सहूलतों को बेआबरू कर दिया। मेहनताना लेकर पलक झपकते ही वो भीड़ में गुम हो गए और मेरी बेचैनी पानी तलाशने लगी। नजरें घुमाई तो सामने ही एक स्टॉल था। दुकान के नजदीक पहुंचा तो यहाँ फल बिक रहे थे, सेब से लेकर पपीता, अनार, अमरूद और केला, जिसकी एक सरकारी रेट लिस्ट सामने ही चिपकी थी। लेमन दे दो। ट्रेन तो यार आने में अभी है टाइम, लग रही है प्यास, जब तक जो है मैनिया के जूस से काम चलाते हैं। लेमन। ट्रेन के आने में अब भी वक्त था। प्लेटफॉर्म पे ही कुछ खाने को तलाशते हुए मुसाफिरों से घिरी एक दुकान दिखी।
जहाँ चाय की मशीन दूर से ही झांक रही थी। यहाँ चिप्स, बिस्किट, नमकीन और पानी भी बिक रहा था। और भाई क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम। शिवम, और भाई आपका नाम क्या है? धर्मवीर। दो सैंडविच दे दो और दो ये बर्गर पैक कर दो। समोसे बताओ यार फ्रेश है कि नहीं? सच बताओ ईमानदारी से। चलो दो समोसे पैक कर दो। मैंने सफर के लिए समोसे और सैंडविच पैक करवाए और चाय के साथ एक सैंडविच खाने के लिए मांगा और साथ में चाय। चाय की चुस्की ली तो इलायची का मजा आया, लेकिन सैंडविच में ब्रेड ही ब्रेड महसूस हुई। अंदर की फीलिंग गुमशुदा थी। यहाँ रेट लिस्ट पे तो लगाम थी, लेकिन जायके में बहुत तंगी। ट्रेन के आने का सिग्नल मिलते ही भीड़ बटोर कर तैयार हो चुकी थी। सूरज उतार पे था और शाम नारंगी सी हो रही थी और हमारी ट्रेन पूर्वा एक्सप्रेस रेंगती हुई प्लेटफॉर्म नंबर 12 से चिपक के जैसे ही लगी, भीड़ ट्रेन के अंदर एक साथ घुसी। हमने टिकट किया है सेकंड एसी का और सेकंड एसी की जर्नी मुझे कॉस्ट कर रही है लगभग 3,000 रुपए। लगभग 23 घंटे की जर्नी है दिल्ली से। मैं तो यार बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। 15 से 16 हमें बिल्कुल आगे जाना है। थोड़ी भीड़ छटी तो मैं सेकंड एसी के कोच में दाखिल हुआ, जहां मेरे उल्टे हाथ पे दो बेडनुमा सीटें थी तो दाहिने हाथ पे 4। ट्रेन मुनासिब साफ थी और मैं मरून पर्दों के गलियारे से होते हुए अपनी सीट पे पहुंचा तो इस केबिन में सिर्फ 2 सीटें थी। ये मिल गई है हमारी सीट, साफ रूप है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 2 सीटें हैं। कांच की खिड़की के नीचे एक ट्रेन नुमा टेबल, प्राइवेसी रहती है। लेदर की 2 कत्थई सीटें थी, इसके सिरहाने लाइट और चार्जिंग पॉइंट था। और बेडिंग यहाँ लगा दी गई है और ब्लैंकेट दी जाती है 2। अगल बगल के मुसाफिरों की हलचल अब थम चुकी थी, ट्रेन ने भी रफ्तार पकड़ ली थी। इतने में आसमानी वर्दी में ये चचा ताजी चाय लेकर के आए। चाय कितने की है? 10 रुपए। अच्छा चलिए 2 चाय पिला दे। मैंने फौरन एक कड़क कप मांगा और ये देसी चाय है मेरी इस ट्रेन के सफर का पहला जायका। ठीक है, दूध कम पानी ज्यादा, मिठास बिल्कुल बराबर, जैसी ट्रेन की चाय होती है बिल्कुल वैसे ही है। थोड़ी देर में नेवी कोड में टीटी साहब यानी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर टिकट चेक करके गुजरे तो मैंने चाय दोहरा दी। आज भी बड़ा अच्छा है, टीटी का मतलब क्या होता है? खुशबूदार मसालों में यह समोसा ठंडा भी मजेदार था। मेरी ट्रेन की यादों के खजाने में पनीर पकौड़ा बहुत खास है। क्या क्या खाना, क्या लेकर गए? ये चाउमीन है, पनीर पकौड़े है, ब्रेड आमलेट है। अच्छा, यही बनाया आपने सब? जी सर। पकौड़े कितने का है? 85। और चाउमीन? 85। पकौड़े खिलाइए। इत्तेफाक से ये 2 पैंट्री के स्टाफ गर्मा गर्म पकौड़े बस फौरन ही लेकर आए थे। बेसन की मोटी परत में लिपटा पनीर अब दुबला हो चुका था। अब वो बचपन वाला जायका तो नहीं आया, लेकिन यादें जरूर ताजा हो गईं। पनीर पकौड़ा। ट्रेन का सफर जब कई स्टेशन से गुजरा तो ट्रेन उत्तर प्रदेश में दाखिल हो चुकी थी। शाम गुजरी, उजाला गुजरा और यादों के खजाने का एक और जायका बगल से गुजरने को ही था। चाय, कॉफी, टमाटर सूप, कि मैंने उसे ट्रेन वाला टमाटर का सूप समझ के रोक लिया, लेकिन ये रेडीमिक्स वाला सूप निकला। भाई साहब ने पाउडर वाले टमाटर सूप पे स्टील के ड्रम से गर्म पानी डाला और बड़ी नजाकत से पेपर के कप में चम्मच घुमाता रहा। सूप गाढ़ा हो गया तो उसने मेरे हाथ में थमा दिया। स्कूल टाइम में जब भी मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था तो उन दिनों ट्रेन में सूप सर्व होता था, बना बनाया, आज रेडीमिक्स आ गया है, तो वो मेमोरी बचपन की मैं करता हूँ रिफ्रेश। भाई ठंड में सूप ने मजा तो दिया, लेकिन वो बात नहीं आई। रात हो चुकी थी और डिनर की आवाज गूंजते हुए मेरे नजदीक आ गई। वेज में सर आपको एक सब्जी मिलेगा, मिक्स वेज, दाल फ्राई, राइस, रोटी, एक मिठाई, 80 रुपए पर प्लेट है। और नॉन वेज में क्या है? अंडा करी है, चिकन करी। हल्की मुस्कान और नर्म चेहरे वाला ये स्टाफ सीनियर मालूम हो रहा था। इसने बड़े अदब से डिनर का ऑर्डर लिया। ऑप्शन में वेज थाली थी और चिकन थाली, मैंने दोनों मंगा ली। लाल ट्रे में 4 फॉइल के डब्बों पे कागज का ढक्कन था। गरम पैकेटों से मैंने खाना बेपर्दा किया। दही वेरी गुड, ये मुझे लग रहा है चावल है, चावल भी ताजे ताजे हैं। अरहर की गाढ़ी दाल थी और थे मसालेदार लटपटे मिक्स वेज के साथ 4 ताजे फुलके। काफी अच्छा, 80 रुपए की थाली। सही है, वाह वाह, साथ में ले रही है। अच्छा ये दही, दही। आज जो देखा ना अभी, ये मुझे यहाँ वाला लगा। हाँ। चिकन का भाई कलर देखो, ओए होए 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 होए, ग्रेवी है, देगी चिकन। हाँ हाँ, क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है भाई। दूसरी थाली में झांका तो सब कुछ दोहराया हुआ था,
सिवाय इस चिकन करी के और इस लाल रोगन वाले शोरबे से क्या जबरदस्त खुशबू उठ रही थी। टू गुड भाई, खाना खा के सबके मुंह से निकलता है अच्छा हो तो। खाना समेटती नींद ने दस्तक देनी शुरू कर दी। मैंने कुर्सी नुमा बैठक को नीचे गिराकर बेड बनाया और खाकी पैकेट से निकली दो सफेद चादरों में से एक को इस मरून बेड के बगलों में दबाया। सिरहाने रखी दुबली सी तकिया और गहरे नीले कंबल के नीचे दूसरी चादर की परत लगाकर रेलगाड़ी की थपकियों में मैं नींद की आगोश में बेखबर हो गया। ट्रेन में नींद की खामोशी थी, शोर था तो बस इस सफर का। खिड़कियों से लुपलुपाती हुई रोशनी आती और रात के अंधेरे में गुम हो जाती। चाय 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 की सदा से मेरी आंख थोड़ी जल्दी खुल गई। सुबह के 7 बज चुके थे। मैंने सोचा सबसे पहले ब्रश कर लेता हूँ वरना बेसिन पे भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहाँ मैं मंजन से मिंटी फ्रेश हुआ कि ट्रेन एक स्टेशन पे आके थम गई। दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो ओस में मिली हुई ठंड की खुशबू सी आई और नजरों के सामने लिखा था आरा जंक्शन। हम लोग भाई पूरी रात चल करके उत्तर प्रदेश से होते हुए अब ये ट्रेन एंटर कर गई है बिहार। और बिहार की सरजमीन पे मैंने आज पहली बार कदम रखा था जो है इंडिया का तीसरा सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य। चाय दे दो भाई। ठंड ने सुबह की पहली चाय की तलब और बढ़ा दी। चाय पीकर मैं सीधा निकल पड़ा पैंट्री कार की तरफ जहां सुबह का नाश्ता तेजी से तैयार हो रहा था। 3-4 कोच आगे हैं पैंट्री। अपने कोच से निकलते हुए अगले कोच में पहुंचा तो सबसे पहले एसी फर्स्ट आया जिसमें 2 सीटों वाला प्राइवेट केबिन था। यहां से आगे बढ़ा तो थर्ड एसी वाले कई कोच लगातार आए। यहां भीड़ थोड़ी ज्यादा थी और दाहिनी तरफ 6 सीटें थी। जगह थोड़ी तंग थी और ट्रेन के इन गलियारों में अभी सुबह होना बाकी थी। इस्तकबाल करते हुए चेहरों के बीच मैं इस ट्रेन के बावर्ची खाने में पहुंचा तो बीचों बीच एक काउंटर नुमा प्लेटफॉर्म पे एल्युमिनियम के बड़े बड़े भगोने लाइन से चढ़े थे जिसकी भट्टियां बिजली की कॉइल की थी। फ्रिज से लेकर चिमनी यहां सब था। मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? ये चाय बन रही है? चाय मुझे लगता है दिन भर बनती रहती है। नाश्ते के लिए वेज कटलेट तैयार थे और हेड बावर्ची ऑमलेट लगातार उतार रहा था और ये कारीगर बाल्टी नुमा इस बर्तन में दूध की स्पेशल चाय को इत्मीनान से काट रहा था। बगल में खड़े टीटी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए आपको जनता के स्लीपर क्लास का हाल दिखाता हूँ। मैंने सोचा उसमें ऐसी क्या खास बात है। ये तो विदाउट टिकट है। सारे विदाउट टिकट है। टिकट का टिकट नहीं है। विदाउट टिकट है। पूरे स्लीपर में 8 कोच है। पूरा सर लाभ लगने लगा है। हम लोग कर सकते हैं। हम चलते आ गए। आई आई लग रही है। चलाओ जरा जरा काटो सर। आइए सर, आइए हम निकल रहे हैं। आप आइए नहीं तो आप नहीं निकल पाए। चले भाई, थोड़ा थोड़ा जगह देगा भाई। और जो देखा वो सोचा नहीं था। पैंट्री कार से स्लीपर का मुंह भीड़ से बंद था। जबरन जगह बनाते हुए एक स्टाफ मुझे अंदर लेके गया तो बैठने की छोड़िए खड़े होने की जगह भी नहीं थी। जब ये स्लीपर का हाल है तो फिर जनरल का क्या हाल है? एसी पूरा फुल हो जाता है। एसी पूरा पैक है। जनता का ये हाल देख मैं उदास सा हो गया। वही स्टाफ धक्का मुक्की करते हुए वापिस लाया। बिहार की पब्लिक को नमन भाई, इतनी मेहनत से आप लोग ट्रैवल करते हो भाई। तो चाय भी तैयार हो चुकी थी और यादव जी ने मुस्कुराते हुए मेरे लिए एक कप चाय फौरन परोसी। चाय खत्म होते ही मुझे अपनी सीट पे लौटने को कहा गया क्योंकि मेरा नाश्ता भी तैयार था। भूख अब जोरों की लगी थी इसलिए मैंने इस गर्मा गर्म वेज कटलेट को सफेद ब्रेड की 2 फांकों से बेपर्दा किया। मसाले और मसले हुए उबले आलुओं पर रवे की परत लगाकर इसे अंडे की शक्ल में तला गया था। मैंने ब्रेड की सफेदी को मक्खन से ढका
और एक कटलेट ऊपर रख केचप की एक परत चढ़ाकर एक तवे में दबिश देते हुए सैंडविच बनाकर इसका पहला जायका लिया। दबाओ। मजा आ गया। अच्छा ये भी है साथ में एक केचप, इसमें भी दो स्लाइस ब्रेड और ये रहा भाई गर्मा गर्म ऑमलेट। ऑमलेट भी ठीक वैसे ही दो ब्रेडों के नीचे छुपा हुआ था और मैंने जब इसका रसीला जायका लिया तो हरी मिर्च ने अलग से मजा दिया। बड़ा मजा आता है। नाश्ता खत्म होते ही अगला स्टेशन आ गया, ट्रेन खाली होने लगी। पूछने पर पता चला हम बिहार की राजधानी पटना पहुंच चुके थे और ये ट्रेन यहाँ 10 मिनट रुकेगी। मेरी भूख अब भी बाकी थी, मैंने प्लेटफॉर्म पे नजरें घुमाई तो सामने ही एक दुकान दिखी, कदम खुद ब खुद बढ़ गए। यूजुअली जितने भी ऐसे काउंटर्स हैं वहाँ पर ब्रेकफास्ट लंच और डिनर जो रेलवे की तरफ से वो आता है जिसका बहुत ही बेसिक प्राइस होता है, नॉर्मल प्राइस होता है। कचौड़ी है, पैटीज है। ये क्या भैया कचौड़ी है क्या? पैटीज फ्रेश आई हैं। दो पैटीज दे दीजिए। पराठा सब्जी भी अभी आया। कितने के रुपए की प्लेट है? 50 की। चलो एक दे दीजिए। यहाँ पर ये मिल रहा है भाई खीरा, कैसे दे रहे हैं पपीता? 30 रुपए प्लेट सर। और खीरा 10 का 1 बना के दे रहे। तो दे दो एक। चाकू के इशारे से ही खीरे की खाल उतर गई और भाई ने बड़े हुनर से चाकू से खीरे को भेद कर चार पाके खोली और मसाला बीच में बुरक कर मेरे हवाले किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब शायद खुराक से ज्यादा थी इसलिए बड़े बड़े इन अमरूदों पर भी नजर पड़ी है। बड़े नहीं है। पहुंचा तो ट्रेन ने सीटी बजा दी, शायद नसीब में ही नहीं थे, फौरन भाग के ट्रेन वापस पकड़ी। मैंने सबसे पहले खीरा खाया तो उसमें नमक जज्ब हो चुका था। मजेदार था ये। मसाला बढ़िया है। कितना नंबर है ये? दो नीचे वाली हमारी है। अब बैठ सकते हो। नाश्ते का पैकेट खोला तो उसमें दो सादे पराठे और एक अचार था। फॉइल की पन्नी से सब्जी मैंने उसी में पलट दी। जबरदस्त खुशबू उठी और लटपटे आलू और सोयाबीन की सब्जी दिखी। गुनगुने पराठे का मैंने एक निवाला बनाया और सब्जी के साथ उसका जायका लिया। वाह वाह वाह, मजा आ गया। चलो रसमन ही सही, मैंने पटना का जायका तो चखा। बारिश, मुसाफिर बदला, मौसम बदला और नाश्ते ने भी पेट में जगह बना ली तो कॉफी वाले की आवाज सुनते ही पैटीज का ख्याल भी आ गया। नीली बाल्टी और स्टील के गर्म पानी वाली टंकी पैंट्री के स्टाफ ने फर्श पे टिकाई और एक कैपेचिनो का पैकेट खोलकर एक कागज के कप में पलट दिया। ऊपर से डाला खौलता हुआ पानी और चम्मच से घोट के 25 रुपए की कॉफी तैयार कर दी। मैंने पैटी को बड़े एहतियात से काटा। अंदर कुछ है भी नहीं पैटी में, उसकी फूली हुई ज्यादा थी। कुछ नहीं है इसमें, पर आलू का नामो निशान नहीं था। पैटी खाली है। धोखा हो गया, अंदर से खोखली ये पैटी। होता कभी कभी। शुगर है, कॉफी अच्छी थी। बाद या बाद? अगला स्टेशन बाढ़ था। इस जगह का नाम मैंने पहली बार सुना। ये भी बिहार का एक स्टेशन है। 2 मिनट रुकेगी यहाँ ट्रेन बस। हाँ भाई बिहार अच्छा है। और बिहार के इसी स्टेशन से बिना टिकट एक खास बिहारी जायका भी ट्रेन में चढ़ा। इसे मूंग चना चाट कहते हैं। रोज रोज घूमते हो? अरे कोई बात नहीं, बताओ तो शाम तक खत्म हो जाता है, रोज का काम है। और घर कहाँ है आपका? बख्तियारपुर से जाते। खुले बटन कत्थई गमछा और कत्थे के धब्बों से झांकती मुस्कान वाले इस भाई ने बांस की टोकरी एक पैर पे टिकाई जिसमें एक तरफ अंकुरित मूंग थी तो दूसरी तरफ मुलायम चनों से ये तो वो नहीं जो घर में रखे और उतरी हुई मूली भी थी। भाई ने हाथों के अंदाजे से मूंग और चने के ऊपर डाली मूली और धुएंधार हरी मिर्च और नींबू निचोड़कर नमक के साथ उछालते हुए 10 रुपए की ये प्लेट थमा दी। ट्रेन में बिकता हुआ ऐसा जायका मैंने पहली बार चखा था। स्प्राउट्स ज्यादा खाए जाते हैं इस इलाके में, मैंने देखा है, स्पेशली जो बिहार साइड है। जो इस इलाके के लिए आम था वो मेरे लिए खास था। जबरदस्त चटपटा भाई। ये मजा स्टेशन है। मौसम पे बारिश ने दबिश बनाई तो दोपहर शाम सी हो गई।
और अगले स्टेशन के साथ हम दाखिल हो गए झारखंड द लैंड ऑफ नहीं बता कुछ दिख नहीं रहा है। मैं रिस्क नहीं लूंगा भाई, पता लगा कि ट्रेन मूव कर गई, हमें बाहर ही रह गया। चल गई ट्रेन भाई। कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था लेकिन सब कुछ दूर था। जसीडीह के इस स्टेशन पे भी ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकी और वक्त से ही रेंगने लगी। मायूस अच्छा। होकर सीट पे लौटा ही था कि एक और जायका ये तो बहुत ही नॉस्टैल्जिक है। आवाज आई, नमकीन ले लो नमकीन। बादाम है, मूंग का दाल है, हरा मटर है, चना है। ये वाली दो अभी क्या क्या बेच रहे सब 10 रुपए जो लीजिएगा 10। ये पहली वाला वो रंग बिरंगी गोलियां बेच रहा था जो जादू से गुजरे हुए कल यानी बचपन में ले जाता। मैंने एक मसालेदार दाल ली और एक काली खट्टी टॉफी का पैकेट लेते ही एक गोली जैसे ही जुबान पे रखी पूरा बचपन आंखों के आगे नाचने लगा। मसालेदार दाल भी चटपटी थी और मजेदार थी। दो बच्चे थे और बारिश की वजह से ट्रेन 2 घंटे की फेमस है। मुझे ट्रेन में अब 20 घंटे हो चुके थे और इस अगले मशहूर स्टेशन जामताड़ा के आते ही हम दाखिल हो चुके थे बांग्लादेश नेपाल और भूटान के सरहद से जुड़े राज्य वेस्ट बंगाल में। बंगाल नाम सुनते ही जो पहला जायका मेरे जहन में आया वो था झालमुड़ी। मेरा सोचना था कि एक नौजवान फेरी वाला टीन का लाल डब्बा गर्दन में टांगे हुए सामने आ गया। इसमें भी इस चलती फिरती दुकान में चना पापड़ी प्याज और मुरमुरे ऊपर ही सजे थे। इस नौजवान ने बड़ी रफ्तार से एक एल्युमिनियम के डब्बे में 2 मुट्ठी मुरमुरे डाले, चने को प्याज से छूते हुए उठाया और ऊपर से सूखा मसाला डाल साथ में डाला अचार और सरसों के तेल का गीला मसाला और उसी पत्ती नुमा चम्मच से डब्बे को फेंट कर उसने कागज का एक कोन बनाकर झालमुड़ी पलट दी और चने और प्याज से सजा कर मेरे हाथ में पकड़ा दिया। ये बात ऊपर से गया चना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैंने इसका पहला जायका लिया तो मेरे होश उड़ गए। कोलकाता के आने से पहले ही उसके जायकों ने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। मैं कोलकाता से मिलने के लिए बेचैन था और हमारा ये सफर तेजी से अपनी उसी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। रेलगाड़ी की दुनिया में कुछ हो ना हो मुसाफिर वक्त का धनी जरूर होता है। कुरकुरे का भाई चरचरे। वही वक्त काटने के लिए मैंने चिप्स और ये चरचरे भी लिए और धीरे धीरे उसे भी चर गया। शाम होते ही पैंट्री के बावर्चियों ने नाश्ते में परोसा आलू बोंडा। मसालेदार आलूओं पे बेसन की परत चढ़ाकर तले गए इस आलू बोंडा का भी मैंने जायका लिया तो ये बस ठीक सा था। कुल्हड़ वाली चाय बिकने आई तो मैं समझ गया अब कोलकाता ज्यादा दूर नहीं है। चाय में इलायची और अदरक का जायका एक साथ आया। कुछ दूध में इस इलाके में महक थोड़ी अलग सी है। हाँ लेकिन चाय अब थोड़ी पत्ती बदली है बंगाल में आकर के। ये कुल्हड़ वाली चाय अच्छी है। 10 रुपए। बदलती जुबान से बदलते इंसान देखे, लहजा बदला, लिबास बदला, जायके के इस सफर पे सब बदला, पर हर मुसाफिर का मजहब फिर भी हिंदुस्तान निकला। शाम रात में तब्दील हो चुकी थी, ठंड बढ़ चुकी थी और ट्रेन अपनी मंजिल चूमने को तैयार थी और हम पहुंच चुके थे वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता के हावड़ा जंक्शन। मैंने प्लेटफॉर्म पे जैसे ही कदम रखा एक बड़े शहर की महक सी आई। बहुत बड़ा शहर है भाई, बहुत बड़ा शहर है कोलकाता यार। लोग बदल गए, जुबान बदल गई और मैं इस अनजान सी दुनिया में बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगा। भीड़ के पीछे पीछे इस शहर की आबो हवा को महसूस करते हुए मैं आगे बढ़ा तो एक अनजान से चेहरे ने कंधे पे हाथ रखा। चेहरा देख मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। हेलो भाई, अपना दोस्त है, स्कूल का दोस्त है मेरा, ये बचपन का यार। तुझे सो स्मॉल है, इतना बड़ा हो गया। ये साहब है मेरे स्कूल के बचपन के दोस्त डॉक्टर इरफान, जिससे मैं स्कूल के 15 साल बाद आज पहली बार मिल रहा हूँ। काफी देर बाद मेरी फिक्र अब सुकून में बदल गई और मैं इन बिना सीढ़ियों वाले प्लेटफॉर्म्स पे भीड़ को फलांगते हुए अपने दोस्त के पीछे पीछे गाड़ी तक पहुंच गया। सालों के किस्से, छोटा सा सफर,
डॉक्टर साहब ने मुझे अपने शहर से रूबरू करवाते हुए आखिर मेरे होटल तक पहुंचा दिया। हेलो, हाय, ही शुभ्रो। और कल आपको अपने साथ लेके चलूंगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता के जायके के पहले सफर पे, जहाँ कुछ नए दोस्त बनेंगे, मिलेंगे कुछ अनजान जायकों से, सड़कों पे फिरेंगे और जिएंगे अपने हिस्से की जिंदगी का एक और दिन एक नए शहर में। और तहजीबों के इस शहर कोलकाता में आपका खैर मकदम है। वा, वा, वा। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ बॉस बजाज, इस कहानी का सूत्रधार। यार ट्रेन में ना वैसे इतना लंबा सफ़र करने का ना एक्सपीरियंस मुझे आज तक कभी नहीं हुआ। मैं ज़रूर चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इतना लंबा जो है ना जो सफ़र करने का एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूर हो, क्योंकि आप डिफरेंट कल्चर देखते हैं, आप डिफरेंट लोग देखते हैं, आप डिफरेंट जगहें देखते हैं ना, तो आपको ना एक अलग तरह के एक्सपीरियंस मिलते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले तो भाई मैं तारीफ़ करना चाहूँगी उनकी आवाज़ की और उनके अल्फाज की, क्योंकि दोनों कमाल के। सही बात है। सीरियसली लाइक जैसे ही ब्लॉग स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इतना इंगेजिंग था और इतना मज़ा आया देखने का कि लाइक एक सेकंड के लिए भी हो गया था ना कि आपकी नज़र इधर से उधर नहीं हुई और ना ही आपका दिमाग जो है वो किसी और सोच में गया, इतना मज़ा आ रहा था देखने का। बट वैसे एक चीज़ बोलूँगी, स्टार्टिंग में जैसे हम लोगों ने देखा जो कुली होते हैं, ऑनेस्टली बोलूँ पता नहीं क्यों मुझे बड़ा ना थोड़ा सा इस मामले में मेरा दिल थोड़ा नर्म है कि मैं देख, हालांकि वो मेहनत करते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, पर मुझे लगता है कि ये जो फिज़िकल वर्क होता है ना, लाइक ढोना जिसको बोलते हैं, सामान ढोना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और इनफैक्ट समटाइम्स मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा सामान उन लोगों ने एक ही टाइम में उठाया होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है वो लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो इंसान है, तो कुछ लोग जो होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा सामान उठवा देते हैं उन लोगों को, तो मुझे लगता है कि खुद भी साथ में थोड़ा सा अगर पकड़ लें तो उसमें कोई बुराई नहीं होती। क्योंकि अगर आप लोगों ने हमारा लास्ट व्लॉग देखा होगा जो कि लक्ष्मी चौक पे था, तो उस पर भी एक बाबा जी थे जो कि ना सामान ऐसे लेकर जा रहे थे, वो खींच कर लेकर नहीं जाते जैसे मोदी, तो उनको देखकर भी मुझे इतना दुख हो रहा था ना। अगर वैसे मेरे हाथ में होना तो मैं सच में सबके लिए ना थोड़ी आसानियाँ पैदा कर दूँ। इसमें मैं ये नहीं कहती कि इस एज में अगर काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल काम करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। इनफैक्ट मैंने ये बात सुनी है कि सिंगापुर में 80-90 ईयर्स ओल्ड जो लोग होते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, उनसे भी काम करवाया जाता है, और वो इस वजह से ताकि वो लोग एक्टिव रहें, अपनी लाइफ में खुश रहें, बट ऐसा काम करवाया जाता है कि उनको सिर्फ बिठा दिया जाता है, जैसे कैश काउंटर हो गया इस तरह का। तो ये जो इतना फिजिकली आप मेहनत करते हो ना, वो मुझे बड़ा, मेरे दिल को दुख होता है, पता नहीं क्यों ऐसा है मेरे साथ। खैर अभी बढ़ते हैं आगे खाने की तरफ, जहाँ पर उन्होंने ब्रेकफास्ट से लेकर लंच, डिनर, स्नैक्स और कोई ठेला नहीं उन्होंने छोड़ा, हर चीज़ जो है उन्होंने कवर की, और बड़ा मज़ा आ रहा था देखने का कि जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट आप स्टेट्स में जा रहे थे, वहाँ के खाने जो है वो बदलते जा रहे थे, टेस्ट बदलता जा रहा था, और साथ साथ रेटिंग भी बदलती जा रही थी, रेटिंग भी बदलती जा रही थी। सो अच्छा लगता है कि लाइक अभी जैसे बीच में हम लोगों को भी वैसे आइडियाज़ मिल जाते हैं, जैसे स्प्राउट्स की मैं बात करूँ, अभी रात को मौसम को चखाए हैं, मौसम को पसंद आए हैं, हाँ मुझे अच्छे लगे, लेकिन जो है ना अगर आप थोड़े मसाले शसाले डाल कर देंगे तो ज़्यादा जो है मज़ा आएगा, क्योंकि इसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है, दो तीन दिन तो लग ही जाते हैं, स्पेशली जो काले चने वाले ना उसको ज्यादा टाइम, मेरी बहन बता रही थी कि लगता है, जो मूंग दाल वाला ना वो तो जल्दी ही हो जाता है, तो सैलेड इसका बनाकर बड़ा मजा आता है, तो मैं किस दिन तुम्हें सैलेड बनाकर खिलाऊं, जरूर, क्यों नहीं, मैं जरूर खाऊंगा। अच्छा वैसे इतने लंबे सफर में जो है ना आपको खाने पीने की जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना वो क्रेविंग होती है, आवश्यकता रहती है, बिल्कुल रहती है भाई। देखें अच्छा अच्छा खाना जो होता है ना, अगर आप खाएं ना सफर के दौरान, तो आपका मूड भी अच्छा रहता है, आप इंटरनली भी अच्छा फील करते हैं, और आपको पूरा सफर जो है ना बहुत ज्यादा अच्छा गुजरता है। इंटरनली तो ज्यादा अच्छा तभी फील करते हैं जब वो खाना जो है ना हजम होता है, हजम हो जाता है भाई। देखे ट्रेन जितना हिलती है ना, खैर इंडियन ट्रेन तो हमने देखा काफी ज्यादा स्टेबल रहती है, लेकिन अगर यहाँ की ट्रेन की बात करें ना तो जितना हिलती है ना, तो आप पहुंचे पहुंचे आपका खाना वो हजम करवा ही देती है। देखो डिफरेंट वेदर एक्सपीरियंस करना, और भाई बीच में एक कोच की मैं बात करना चाहूंगी, भाई उन लोगों को उन हिम्मत को सलाम है भाई कि वो लोग ऐसे ट्रैवल करते हैं। अगर आप याद हो हमने जनरल कोच का एक व्लॉग भी देखा था काफी देर पहले, काफी ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है, और पता नहीं क्यों मुझे बीच में समझ ऐसे आई कि इन लोगों ने टिकट्स नहीं ली हुई,
तो ये प्लीज मुझे बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कि मुझे गलत सुनाई दिया है कि सही सुनाई दिया है। टिकट तो यार ली होती होंगी, क्योंकि टीटी ने मुझे ऐसा लगा उनको बोला कि कुछ लोग होंगे बीच में जिन्होंने टिकट नहीं ली होंगी। अब ये थोड़ी कि दो तीन कोचिज लगाई हैं तो उनमें से किसी ने भी टिकट नहीं ली, ऐसा थोड़ी होगा। अच्छा हो सकता है फिर मुझे गलत सुनाई दिया गया हो, बट ये कि वहाँ उस मतलब कोच में ट्रैवल करना सीरियसली काफ़ी डिफिकल्ट था। और बाकी मैं बात करूं अब आगे मजीद जो हमें व्लॉग्स देखने को मिलने वाले हैं, मुझे लग रहा है बहुत ही कमाल की सीरीज आने वाली है, क्योंकि मौसम का तो फेवरेट भाई कोलकाता तो वैसे बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा लगता है भाई। एक आपको ना वहाँ की वाइब बहुत मजे की लगती है, और मुझे वैसे उनकी लैंग्वेज भी बहुत पसंद है। और बीच भालो, 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 लेकिन देखो मतलब कुछ इसी तरह से था, म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा था और साथ में सॉरी मुझे लग रहा है मैं काफी फनी साउंड कर रही हूँ, बट मुझे मजा आता है लाइक जिस तरीके से उनका डायलेक्ट होता है। यार कुछ भाषाएं बहुत मीठी होती हैं, मुझे लगता है भाषा हर मतलब कोई भी किसी भी जगह की देखो ना मीठी ही आपको लगती है। ये भी बात आपको समझ नहीं आती, बट आई डोंट नो कि आपको क्यूती पसंद आती है। अभी जैसे अगर हम लोग मराठी की बात करें वो सुनने में बड़ा मजा आता है, राजस्थानी की बात करें साउथ इंडियन गाने सुने बड़ा मजा आता है, साउथ इंडियन हाँ मुझे बहुत म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। मतलब हर जगह का आपको म्यूजिक और वाइब और उनका लैंग्वेज उनकी डायलेक्ट मुझे लगता है उल्टा बोल रही हूँ उनका डायलेक्ट और उनकी लैंग्वेज सब बहुत मजे का लगता है। बाकी आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपको आज की जर्नी कैसी रही, क्योंकि मुझे लगता है मौसम ये फर्स्ट टाइम है कि ट्रेन जर्नी में हमने इतना ज्यादा खाना देखा है, वरना हम लोग ब्रेकफास्ट देखते हैं, लंच देखते हैं, डिनर देखते हैं। एक और चीज है, इससे पहले हमने जितनी भी ट्रेन देखी उसमें खाना जो है टिकट प्राइस में इंक्लूड होता है, इसमें जो है वो अलग से पे कर रहे थे, मे बी उन्होंने ना इंक्लूड किया हो सकता है ना, मे बी हो सकता है, ये बताइएगा ऑप्शन है इस तरह होता होगा डेफिनेटली, बाकी आप कंफर्म करिएगा। क्योंकि मैंने भी ट्रैवल किया नहीं है, क्योंकि पहले हमने राजधानी ट्रेन से की है ना, जिनमें क्या ना जो फ्री खाना वो टिकट की प्राइस में इंक्लूड होता है, फ्री नहीं होता टिकट में इंक्लूड होता है। अरे वो हो तो फ्री गया ना, हाँ बिल्कुल। लेकिन ये कि मैं ये बोलूंगी कि हमने जितने ब्लॉग देखे ना, आज पहली मरतबा मैंने देखा है कि एक ट्रेन जर्नी में बहुत ज्यादा खाना, क्योंकि ऑब्वियसली जो हम लोगों ने पहले भी इनके ब्लॉग्स देखे हैं, फूड ब्लॉग्स हम लोगों ने देखे हैं, तो इस वजह से। और साथ साथ ना एक चीज बाकी, जब ट्रेन में सब फेरी वाले आते हैं ना, बड़ा मजा तो मजा भी बहुत आता है, और आप नॉस्टैल्जिक भी हो जाते हैं, जैसे बीच में उन्होंने जो है वो खाई रंग बिरंगी गोलियां। हम भी जब कभी गांव जाया करते थे, जब ट्रेनें यहाँ पे बड़ी चला करती थी, तब आपको जो है वो देखने को बहुत ज्यादा मिलती थी। एक याद है वो विक्स टाइप गोली भी होती थी, वो भी बड़ा ट्रायंगल में बड़ा मजा आता था। फिर उसका खताइयां मिलती थी, फिर उसके बाद जो है वो दाल होती थी, चना दाल होती थी मसाले वाली, वो भी लोग नींबू निचोड़ के भेजते थे, कितना नॉस्टैल्जिक मजा आता था। मैं अभी मौसम से नेक्स्ट एक क्वेश्चन करने वाली थी, मौसम कोई एक ऐसी चीज जो तुम्हें नॉस्टैल्जिक करती हो खाने में, भाई ये खताई खताई वो बहुत खस्ता मिलता है और बहुत मजे की होती है। हाँ मतलब अब तो खताई जो है ये बहुत सारी यू नो मिलते हैं, जैसे बिस्किट्स मिलते हैं, हाँ, इस तरह के मिलते हैं, लेकिन वो एक अलग लेवल था, वो मैं कहता हूँ बचपन के साथ वो भी खत्म हो गया, ट्रेनें खत्म हुई हैं वो भी खत्म हो गई। वैसे ना मुझे नॉस्टैल्जी करता है ये एक मतलब चने काले वाले चने नहीं होते जो ये वाला प्याज और चने ये वाला करता है, और एक ये जो दाल के ऊपर नींबू निचोड़ के, अब लड़की मतलब लेकिन खताई भी मुझे बहुत, क्योंकि उस स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते सबने खताई और पकौड़े खाने ही भाई, वो मैं कहता हूँ कि वहां पे ट्रेन आती थी खताई खताई खताई, हाँ बहुत मजा आता था। एनीवे गाइस ओवरऑल लोगों की बहुत मजा आया, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर गुड बाय।